न्यूज एटीन के एजेंडा पंजाब में पंजाब विधानसभा स्पीकर कुलतास सिंह संधावा ने कहा कि वो सत्र को लंबा करने के बारे में सोचते रहते हैं तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने मोहल्ला क्लिनिक को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सबसे अहम कड़ी बताया पंजाब के लोकल बॉडीज मंत्री ने कहा कि शहरों और गांवों को आगे लेकर जाने के लिए वो मेहनत कर रहे हैं तो पर्यटन मंत्री ने कहा कि पंजाब टूरिज्म का हब बन सकता है ऑनरेबल सीएम साहब और हम सभी इसी चिंता में रहते हैं कि कैसे सेशन को लंबा किया जाए और आ, मैं तो अपोजिशन से भी दरख्वास्त करूंगा कि आपने अपना जो अपोजिशन है वो दर्ज कराने कराइए वॉकआउट करके वापस चले जाते हैं, हैं। जब हम अपोजिशन में थे तो हम तो यार वॉकआउट करते थे और दोबारा फिर आ जाते थे वहां पे दवाई नहीं थी वहाँ पे टेस्टिंग नहीं होती थी वहाँ पे बिल्डिंग ठीक नहीं थी वो तीनों काम हमने महिला क्लिनिक में चेंज कर दिया और एंड टू एंड डिजिटाइज कर दिया उसको कंप्यूटराइज कर दिया सीवरेज की प्रॉब्लम है पानी की प्रॉब्लम है सफाई की प्रॉब्लम है चाहे रोड्स की प्रॉब्लम है पहले ज्यादा थी लेकिन हमने मेहनत करके काफी आगे लेके आएंगे और आगे लेके जाएंगे पंजाब एक कलरफुल स्टेट है हमने पीछे टूरिज्म सबमिट किया जिसमें बहुत सारे एम्बेसडर्स ने टूरिस्ट गाइड ने और इन्वेस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया